Assalamu alaikum. This is lecture 11 of Gender Issues in Psychology. Aaj ke lecture mein hum baat karenge cognitive approach towards understanding and towards the description of development of personality and gender roles and gender differences. Lekin usse pehle hum jaldi se ye dekhte hain ki pichle lecture mein humne kis approach ki baat ki thi. In the last lecture, we primarily talked about the behavioral or learning approach. Wo approach jiske mutabik tamam tar behavior, jisme gender roles ki development bhi shamil hai aur personality development bhi shamil hai, ye tamam behaviors environment, reinforcement aur irdgird ke mahol ka natija hai. Bunyadi factor ya bunyadi variables jo learning ko तकवीयत पहुंचाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, वो है रीइंफोर्समेंट. हमने कहा था कि रीइंफोर्समेंट से मुराद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिहेवियर्स उनको कोई भी कॉन्सिक्वेंस फॉलो ना करे, यानी नो रीइंफोर्समेंट एट ऑल. और हमने ये भी देखा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के मॉडल को भी किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है ये देखने के लिए कि जेंडर रोल्स किस तरह से सीखे जाते हैं. और आखिरी बात जो हमने इस लेक्चर में की वो ये थी कि हमारे बहुत से ऐसे रवैये हैं, बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनमें किसी तौर पर भी किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम वो बिहेवियर्स इख्तियार करते हैं. जेंडर रोल्स में ऐसे बेशुमार बिहेवियर्स शामिल हैं जो सीखने के लिए हमें किसी ने रिवॉर्ड या पनिश नहीं किया था, लेकिन हमने इसके बावजूद खुद से सीखे. खास तौर पे ऐसे बिहेवियर्स जो कि थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाके इंसान सीखता है, एडोलेसेंस में सीखता है या एडल्टहुड में जाके सीखता है, उनमें से अक्सर बिहेवियर्स ऐसे हैं जो शायद शेपिंग की वजह से और ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से या रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से तो नहीं सीखे गए, लेकिन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की वजह से सीखे गए. और हमने ये बात की थी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच या सोशल लर्निंग अप्रोच जिसको बंडूरा ने बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, एक एंड उसका लर्निंग अप्रोच से जाके मिलता है और दूसरा कॉग्निटिव अप्रोच से. और यूं कहना चाहिए कि उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच में शामिल करते हैं. लर्निंग अप्रोच में इस हद तक कि वो बच्चा कोई या कोई शख्स जब किसी मॉडल को देखता है और उसकी किसी खास बिहेवियर को नोट करता है और उसको अपनाने का फैसला करता है, तो ये फैसला और ये प्रोसेस कि उसको आपने देखा और आपने ये डिसाइड किया मेंटली कि मैंने भी ये बिहेवियर इख्तियार करना है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव अमल है. लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं, किस बिहेवियर को हम इख्तियार करेंगे ऑब्जर्व करने के बाद, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे मॉडल का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या था. इफ हिज बिहेवियर वॉज फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, then we will also try to adopt that behavior. Whereas, if his behavior or her behavior was followed by negative consequences, then we will most probably not follow that behavior. ये तो थी हमारे पिछले लेक्चर की रिकैप. और हमने ये कहा था कि हम ये देखना चाहेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या प्रोसेस है जिसके तहत एक बच्चा किसी एडल्ट के या किसी और बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उस बिहेवियर में से कुछ हिस्सा अपने किरदार में अपनाने का या इख्तियार करने का फैसला करता है. ये एक बिल्कुल सिंपल सी चीज नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दो या चार या इससे भी ज्यादा स्टेप्स बाज़ूकात इन्वॉल्व हो सकते हैं. ये एक सर्टन सीक्वेंस में जाहिर होने वाली चीज है. सबसे पहले हम आज के लेक्चर में कॉग्निटिव अप्रोच की बात करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच और उसमें शामिल कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है. कॉग्निटिव अप्रोच जैसा कि इसके नाम से जाहिर है वो अप्रोच है जो कि कॉग्निशंस पर एम्फसाइज करती है. और कॉग्निशन बुनियादी तौर पर मुराद है थिंकिंग के साथ या थिंकिंग प्रोसेसेस के साथ. कॉग्निशन का लफ्ज दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड to refer to knowledge as well as the process of obtaining knowledge. Yani jo ilm aapke paas hai, jo aapke dimag mein malumat maujood hai, jo soch maujood hai, usko bhi hum cognition kehte hain.
और वो अमल जिसके तहत ये तमाम इल्म हम हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, उस प्रोसेस या उस अमल को भी हम कॉग्निशन का नाम देते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच वो अप्रोच है जिसके मुताबिक हमें बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को या किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को समझने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अहमियत देनी चाहिए। कॉग्निटिव प्रोसेसेस में थिंकिंग शामिल है, इसमें इमोशंस शामिल है, फीलिंग शामिल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रेजल शामिल है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि इंसान कैसे सीखता है, लर्निंग किस तरह से होती है, और इसी तरह से जेंडर रोल्स किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से सिखाए जाते हैं और किस तरह से सीखे जाते हैं। मगर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में या सोशल लर्निंग में क्या कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 1. द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स ऑफ अनदर पर्सन्स और मॉडल्स बिहेवियर आर पेड अटेंशन टू एंड परसीव्ड। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कोई शख्स या कोई मॉडल जिसको हम थोड़ी सी आमादगी महसूस कर रहे हैं कॉपी करने की या उससे एक बिहेवियर सीखने की, उसके बिहेवियर में से कुछ खास चीजें, कुछ खास पहलू हम मेंटली नोट कर लेते हैं, कुछ नुमाया पहलू। यूं तो कोई शख्स बहुत से एक्शन दिखा रहा होता है, बहुत से बिहेवियर्स कर रहा होता है, लेकिन उसमें से कुछ खास सिग्निफिकेंट फीचर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे शख्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बारे में एक मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसको इवेल्युएट किया जाता है और उसको असेस किया जाता है मेंटली, और उसके बाद एक फैसला किया जाता है कि इसको मैं इख्तियार कर सकती हूँ या नहीं। द बिहेवियर इज रिमेम्बर्ड स्टोर्ड इन मेमोरी। स्टेप 3. द एक्शन इज रिप्रोड्यूस्ड। जो बिहेवियर्स नोट किए जा चुके हैं उनको जहन में महफूज कर लिया जाता है मेमोरी में, उसको मेंटल प्रोसेस में बार बार प्रोसेस किया जाता है, उसके बारे में हो सकता है हम कई दफा सोचें, कई दफा अप्रेजल करें, उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचें। कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मसलन कोई बच्चा जो है उसको अगर छुरी और कांटे के साथ खाना खाना नहीं आता और किसी और शख्स को, किसी बड़े को वो खाते हुए देखता है और जो कि बहुत अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल कर रहा है और बच्चा उसको देख के सीख लेता है, तो इसमें कोई ज्यादा सोच दरकार नहीं है। लेकिन अगर कोई और शख्स बंजी जंपिंग कर रहा है या स्काई डाइविंग कर रहा है और एक बच्चा या एक नौजवान लड़का बहुत ज्यादा मुतासर होता है उससे और वो भी वही करना चाहता है, तो ऐसा करने से पहले हो सकता है कि वो बारहा सोचे कि इसके क्या फवायद हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं और इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये थे वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो किसी बिहेवियर को फॉलो करने से पहले और उसको कॉपी करने से पहले इंसान के जहन में रूनुमा होते हैं। इस सारे बिहेवियर को जो कि नोट किया गया था, उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया गया था, उसको इंसान रिपीट करके देखता है, उसको मेंटली भी उसकी रिहर्सल की जा सकती है और की जाती है और उसकी एक्चुअल रिहर्सल भी की जाती है। और रिसर्च ने ये जाहिर किया है कि बहुत से एक्शंस जिनकी अगर मेंटल रिहर्सल कर ली जाए तो भी वो बहुत अच्छे तरह से सीखे जा सकते हैं। द पर्सन इज मोटिवेटेड टू लर्न एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर। सक्सेसेस आर रीइंफोर्स्ड एंड फेलियर्स पनिश्ड। इस सारे सिलसिले में जब बच्चा कोई बिहेवियर सीख रहा है और किसी और को देख के उस बिहेवियर को फॉलो कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट भी मिल रही है। उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट अदर्स, दे रीइंफोर्स। अगर उसका वो बिहेवियर अच्छा है, पसंदीदा है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसकी इंकरेजमेंट की जाती है। और अगर वो नापसंदीदा बिहेवियर है तो उसको उससे रोका टोका जाता है, उसके ऊपर बाजू का उसको पनिश भी किया जाता है। ये तो है एक सिंपल प्रोसेस, लेकिन क्या ऐसा ही है कि हम किसी शख्स को देखते हैं उसके बाद हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स इस सिलसिले में इन्वॉल्व है इस बात का फैसला करने में कि हम किसी के बिहेवियर को पसंद करने के बावजूद अपनाएंगे या नहीं, और इसके साथ साथ ये कि वो कौन शख्स होगा, उसका क्या बिहेवियर होगा जिसको हम इख्तियार करने पर आमादा हो जाएंगे। हु डू वी टेक एज अ मॉडल? द वन हु इज रिवॉर्डेड फॉर हिज बिहेवियर। दोज पनिश्ड फॉर देयर बिहेवियर विल नॉट यूजुअली बी कॉपीड। जिन लोगों को
अपने बिहेवियर के नतीजे में दूसरों से अप्रिसिएशन मिली, रिस्पेक्ट मिली, उनका बिहेवियर ज्यादा कॉपी किया जाता है। जिन लोगों को अपने बिहेवियर के नतीजे में पनिशमेंट मिली, उनके बिहेवियर्स को कॉपी नहीं किया जाता। सोशली सिग्निफिकेंट मॉडल्स, सक्सेसफुल पीपल, ग्लैमरस पीपल एंड गुड कम्युनिकेटर्स। माशरे में सिग्निफिकेंट समझे जाने वाले लोग, रिस्पेक्टेबल समझे जाने वाले लोग, ट्रस्टवर्दी समझे जाने वाले लोग, बाज़ुकात अट्रैक्टिव लोग, ग्लैमरस लोग, एडवेंचरस लोग, थ्रिल सीकिंग लोग जो किसी नित नए बिहेवियर में इंडल्ज करते हों, आमतौर पर इस तरह के लोगों के बिहेवियर्स को लोग अपनाते हैं। कुछ लोगों के बिहेवियर एक अच्छे मॉडल बिहेवियर के तौर पर सामने आते हैं, मसलन उनके नॉलेज की वजह से, मसलन उनके खास कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से, मसलन उनकी किसी खास फील्ड में अथॉरिटी या एक्सपर्टीज की वजह से, और बाज़ औक़ात बिलीफ सिस्टम की वजह से भी, आइडियोलॉजी की वजह से भी। अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसका आपको लगता है कि वो आपकी आइडियोलॉजी की एक सही तस्वीर है, उसका एक बहुत डीप इम्पैक्ट है आपके ऊपर ज़हनी तौर पर, तो आपकी कोशिश होगी कि आप उसको कॉपी करें। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इनिशियली द पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स, ओल्डर सिबलिंग्स टू आर रोल मॉडल्स एट स्कूल, पीयर्स आर सिग्निफिकेंट मॉडल्स। छोटे बच्चों के लिए आमतौर पर सबसे पहले रोल मॉडल्स पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद सिबलिंग्स यानी बहन भाई, और जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनकी एज मेट्स उनके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। बहुत सी चीज़ें बच्चों ने अपने घर में ना कभी देखी होती हैं, ना सुनी होती हैं, इसके बावजूद वो उनके बिहेवियर का एक बहुत पुख्ता हिस्सा होती हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपने पीयर ग्रुप से यानी अपने हम उम्र बच्चों से सीखी होती हैं। जेंडर रोल्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहला सबक अपने घर से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, बहन भाइयों से मिलता है, फैमिली के क्लोज रिलेटिव से मिलता है, और उसके बाद स्कूल से, और इसका दायरा यूँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और बहुत वसी दायरे पे जाके मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये वो चीज़ें हैं जो जेंडर रोल्स सिखाने में या उसके लिए रोल मॉडल्स बच्चे को दिखाने में पेश पेश होती हैं। लर्निंग जेंडर रोल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स ऑफ फादर्स और मदर्स बिहेवियर आर नोटेड एंड द चाइल्ड नोटिसेस दोज बिहेवियर्स आर रिवॉर्डेड। सबसे पहले बच्चा अपने माँ बाप के रवैयों को और उनके बिहेवियर्स को देखता है और नोट करता है कि वो कुछ बिहेवियर्स हैं जो हमेशा वो करते हैं और उन बिहेवियर्स के लिए उनको रिवॉर्ड किया जाता है। मसलन अब्बा अगर बहुत सख्ती से बात करते हैं, बच्चों को डांटते हैं और बच्चे डर जाते हैं, जिसका मतलब है कि वालिद जो चाहते थे घर में वही हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, ही इज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर हिज बिहेवियर। या अम्मी जो है वो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, या अम्मी जो है वो डॉक्टर हैं, वो बाहर से आती हैं तो बच्चों के लिए एक रिस्पेक्ट का और एक प्राइड का बायस होती हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों के सामने वो समझते हैं कि हाँ हमारी अम्मी एक बहुत अच्छी सर्जन है। ये बिहेवियर्स जब अपने माँ बाप में नोट करते हैं तो उसके साथ साथ उनको एक तरह का एक रोल मॉडल अपने सामने दिखाई देता है। सबसे पहले मॉडल्स घर में मौजूद हैं। द बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर रजिस्टर्ड इन मेमोरी, द बिहेवियर्स पनिश्ड और इग्नोर्ड आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर इमिटेशन इन फ्यूचर। इब्तदाई स्टेजेस पे हो सकता है कि बच्चा एक आध दफा दूसरों के किसी भी बिहेवियर को कॉपी करना शुरू कर दे, लेकिन अगर उसको पनिश किया जाएगा तो वो कभी भी उस बिहेवियर को इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि मॉडल के बिहेवियर को बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि आया मॉडल का बिहेवियर पनिश किया जा रहा है या रिवॉर्ड किया जा रहा है। इफ द मॉडल्स बिहेवियर इज बीइंग रिवॉर्डेड, इफ द मॉडल इज गेटिंग रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन इन रिटर्न ऑफ दैट बिहेवियर, then the child will try to follow that behavior and copy it. But if the model were punished for that behavior, the child will not attempt to copy that behavior in most of the cases. Ho sakta hai baaz bachche adventurous ho aur khud bhi wo behavior karne ki koshish kare, magar ek se zyada dafa shayad wo aisa nahi karenge. The child is motivated to learn and practice the behavior as successes are reinforced and failure पनिश्ड। सो बच्चे को अगर बाहर से अपने माहौल से रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो इन चीज़ों को कॉपी करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छी तरह से जेंडर रोल सीख लेता है। अगर उसको पनिश किया जाएगा तो वो
ऐसे जेंडर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लर्न नहीं करेगा और सिर्फ अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लर्न करेगा. यहाँ पे देखना यह है कि हम बात करें कि जेंडर रोल्स जो हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नतीजे में भी सीखे जाते हैं. आइए देखते हैं कि वो कौन से कुछ ऐसे बिहेवियर्स कौन से हैं जो कि जेंडर रिलेटेड हैं और जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के तहत सीखे जाते हैं. आप स्लाइड पे देखते हैं कि उनमें से कुछ बिहेवियर्स जो कि हमारे मुआशरे पे अपने असरात भी छोड़ते हैं कौन से हैं. जेंडर रिलेटेड बिहेवियर्स लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. वायलेंट एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन, फॉर एग्जाम्पल वाइफ बीटिंग और ईव टीजिंग एटसेट्रा. डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर किसी बच्चे ने या किसी शख्स ने अपने बचपन में कभी इस तरह के कोई वाकयात ना देखे हों तो आमतौर पर वो शख्स डोमेस्टिक वायलेंस में या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में इन्वॉल्व नहीं होगा. लेकिन अगर दूसरों को उसने ऐसा करते हुए देखा है तो वो ज्यादा इम्कान है कि वो भी ऐसा करना सीख जाएगा. मेन्स यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज स्पेशली इन्वॉल्विंग फीमेल्स ऑफ द ओपोनेंट. शाइनेस एंड फेमिनिन मैनरिज्म इन मेल्स व्हेन मोस्ट फैमिली मेंबर्स आर फीमेल्स. अगर कोई मेल बच्चा ज्यादातर मेल कंपनी में रहता है और घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारता है तो एब्यूसिव लैंग्वेज दूसरे बच्चों से सीख जाता है, खा घर में कोई भी वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता हो. दूसरी जानब अगर घर में बहुत ज्यादा फीमेल्स मौजूद हैं और कोई दूसरा भाई मौजूद नहीं है तो ऐसे बच्चों में आमतौर पर फेमिनिन क्वालिटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं उनके मैनरिज्म में और उनके बातचीत का अंदाज या उनके चलने फिरने का या लिबास पहनने का ढंग जो है उतना ज्यादा मैस्कुलिन नहीं होता जितना कि उन लड़कों का होता है जो कि अपने घर में मेल फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं. फीमेल सबमिसिवनेस, फीमेल्स फियर ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स, फीमेल्स हेजिटेशन इन गोइंग आउट अलोन एंड फीमेल्स फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. लड़कियों में आमतौर पर जो सबमिसिवनेस पाई जाती है, घबराने की आदत पाई जाती है, इंसेक्ट से रेप्टाइल से डरने का जो खौफ पाया जाता है, छिपकली को या चूहे को देख के घबरा जाना या खौफजदा हो जाना, इस तरह की चीजें या घर से बाहर जाते हुए अकेले जाते हुए डरना, और अगर कोई साथ मर्द हो, बेशक वो एक छोटा सा भाई हो, तो ज्यादा महफूज महसूस करना, ये सब चीजें भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नतीजा है. हमारे सामने ये बात बहुत वाज़ह तरह से मौजूद है और रिसर्च एविडेंस मौजूद है कि अगर माँ रेप्टाइल से नहीं डरती और माँ इंसेक्ट से नहीं डरती तो आमतौर पर बेटियां भी नहीं डरती. अमूमन जो बेटियां रेप्टाइल से या इंसेक्ट से डरती हैं या छिपकली या कॉकरोच से खौफजदा हो जाती हैं या मेंढक से घबरा जाती हैं वो होती हैं जिनकी माएँ भी इन चीज़ों से खौफजदा होती हैं और इन चीज़ों को देखने के बाद चीखती चिल्लाती हैं या रोना शुरू कर देती हैं. तो ये भी एक तरह की ऑब्जर्वेशन लर्निंग की मिसाल है. सम प्रॉब्लम्स विद द बिहेवियरल अप्रोच. हमने बिहेवियरल अप्रोच में पाए जाने वाली कम से कम तीन फर्दर अप्रोचेस का जिक्र किया, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ये अप्रोचेस बहुत अच्छी तरह से लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स इनको डिस्क्राइब करती हैं और एक्सप्लेन करती हैं. लेकिन इसके साथ साथ फिर भी इसमें कुछ खामियां और कमियां हमें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से दूसरी अप्रोचेस को इमर्ज करने का और बहुत ज़्यादा फलने फूलने का मौका मिला. मसलन बिहेवियरल अप्रोच में सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें बच्चे को या इंसान को बिल्कुल एक पैसिव बीइंग समझा जाता है. द चाइल्ड और द पर्सन इज पैसिव एंड इट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और वेरिएबल्स और अदर पीपल हु आर ऑपरेटिंग अपॉन दैट चाइल्ड और द पर्सन. जो कुछ बाहर से हो रहा है यानी रिवॉर्ड या पनिशमेंट डिटरमिन कर रही है कि बच्चा क्या चीज सीखेगा और क्या चीज नहीं सीखेगा. इसके साथ साथ इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स को नजरअंदाज किया गया है यानी बहुत से बिहेवियर्स हो सकता है हमें उसके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा हो, बहुत अच्छी आमदनी उसके नतीजे में आ रही हो, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही हो, इसके बावजूद हम ये तय करें कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ज़हनी तौर पर या कॉग्निटिवली हम महसूस करते हैं कि ऐसा काम नहीं है जो हमें करना चाहिए. जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिवॉर्ड काफ़ी नहीं है कोई बिहेवियर सिखाने के लिए, इंसान की अपनी सोच और अपनी आइडियोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. और यही वो एक नुक्ता है जहाँ से हम
خالص کوگنیٹو اپروچ کی بات کا آغاز کریں گے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا آبزرویشنل اپروچ ایک اینڈ پر لرننگ اپروچ سے ملتی ہے اور دوسری اینڈ پر کوگنیٹو سے. کوگنیٹو اپروچز میں سوشل لرننگ یا آبزرویشن لرننگ کے بعد ہم کم از کم تین اور طرح کی تھیریز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پیورلی کوگنیٹو پروسیسز کی بات کر رہی ہیں. ان میں ریوارڈ اور پنشمنٹ اس طرح سے اہم نہیں ہے جتنا کہ انسان کی سوچ اہم ہے, اس کے ایموشنز اہم ہے اور اس کی حالات کی اور سچویشن کی ایویلویشن اور اپریزل اہم ہے. دا کوگنیٹو اپروچ دا اپروچ دیٹ فوکسز اپون دا تھاٹ پروسیسز انڈر لائنگ لرننگ دا اپروچ دیٹ گیوز امپورٹنس ٹو کوگنیشن وین انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپلیننگ بہیویئر. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کوگنیٹو اپروچ کوگنیٹو پروسیسز کو ایمفسائز کرتی ہے, انٹرنل فیکٹرز کو زیادہ اہمیت دیتی ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز کو وہ اس کے بعد یا دوسرے درجے پر گردانتی ہے. یعنی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کے نزدیک وہ کوگنیشن ہے, یعنی انسان کی سوچ اور اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت, اس کی مختلف ویریبلز میں سے کسی خاص کو چننے کی صلاحیت جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر جو ہے ایک خاص طرح کی شکل اختیار کرتا ہے. ان لائک آپرینٹ کنڈیشننگ اپروچ اٹ ڈز ناٹ بلیو ان دا شیپنگ آف بیہیویئر بائی ادر پیپل, شیپنگ آف بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ریوارڈ اور پنشمنٹ اور ریجیکشن اور اگنورینس آن پارٹ آف دا ادرس. ہیئر واٹ از امپورٹنٹ از دا تھنکنگ ابلٹی آف دا پرسن. دس اپروچ tackles the issue of learning gender roles, considering human beings as thinking beings, independent beings. Insaan apni marzi ke malik hai, apni soch ke malik hai aur usi ke mutabik wo behavior ikhtiyar karte hain ya ikhtiyar nahi karte. The cognitive approach to gender roles. The theory proposes the interaction of mental schema and social experience in directing gender role behavior. Gender role سیکھنے میں cognitive approach کم از کم دو چیزوں کو بنیادی اہمیت دیتی ہے. ایک تو جو social experiences ہیں, social learning کے تحت ہونے والے تجربات, اور دوسرے mental schema جو کہ gender schema کی form میں ہمارے سامنے آتے ہیں. Schema جس کا plural schemata ہے, schema سے مراد ہے ایک طرح کا mental framework. جس طرح سے آپ کسی چیز کا کوئی ایک فریم بناتے ہیں یا اس کا ایک بنیادی اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس میں پھر اس کے بعد فلنگ کر کے اس کو ایک خاص شیپ دے دیتے ہیں جو کہ اس کی فائنل شیپ ہوتی ہے. سوچ میں اور تھنکنگ کے پروسیس میں یہی کام, سٹرکچر کا کام یا ایک بنیادی ڈھانچے کا کام جو ہے سکیما کا ہے. سکیما میں مختلف طرح کے, ایک بنیادی سٹرکچر میں مختلف ریلیٹڈ انٹر ریلیٹڈ آئیڈیاز, کانسیپٹس اور تھاٹس فٹ ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت ان میں سے कोई भी सामने इमर्ज कर सकता है. द कॉग्निटिव अप्रोच फोकसेस अपॉन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग. अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू द वे ही और शी परसीव्स एंड टैकल्स अ फिनोमेनन. इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेट्स ऑफ बिलीव्स अबाउट द सेक्सेस, दैट इज जेंडर स्कीमा. बुनियादी फोकस जब जेंडर इश्यूज की बात हो रही है, जेंडर लर्निंग की बात हो रही है, تو بنیادی چیز ہے بچے کی انڈرسٹینڈنگ, یعنی بچہ ماحول کو کس طرح سے سمجھ رہا ہے, ارد گرد پائے جانے والے جینڈر رولز کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اس کی ان کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے, جس کے نتیجے میں مختلف جینڈر اسکیما وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں. ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں مختلف جینڈر رولز کی تصویریں, ان کے امیجز, ان کے کانسیپٹ شامل ہوتے ہیں. دوسری جانب کسی اور جینڈر رول کے بارے میں انفارمیشن آ جاتی ہے. پھر کچھ چیزیں ہیں جو دونوں جینڈرز میں اوورلیپ کرتی ہیں, کچھ ہیں جو دونوں میں ٹوٹلی مختلف ہیں. بچے کے ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ ہوتی جاتی ہیں, حتیٰ کہ ایک سٹیج پہ آنے کے بعد یہ ایک خاصی سالڈ اور صحیح فارم اختیار کر لیتا ہے. جینڈر اسکیما از اے مینٹل فریم ورک دیٹ آرگنائزز اینڈ گائڈز چائلڈز انڈرسٹینڈنگ آف انفارمیشن ریلیونٹ ٹو جینڈر. فار ایگزامپل, انفارمیشن اباؤٹ which toys are for girls and which toys are for boys forms schema that guides behavior. Bachche bachpan mein unko ye
मालूम नहीं होता और ये डिफ्रेंशिएशन उनके जहन में मौजूद नहीं होती कि कुछ खिलौने जो हैं वो लड़कियों के खिलौने हैं और कुछ खिलौने लड़कों के। कोई भी कलरफुल चीज़, कोई भी नई चीज़ हर बच्चे को अट्रैक्ट करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब दूसरे उनको बताते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बच्चा दूसरों को देख के ऑब्जर्व करता है, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसके जेंडर स्कीमा में फिट होती जाती हैं कि कुछ टॉयज़ लड़कियों के हैं, कुछ लड़कों के हैं, कुछ लिबास लड़कों के लिए मखसूस हैं, कुछ लिबास लड़कियों के लिए मखसूस हैं, और कुछ खेल मेल्स के लिए हैं और कुछ खेल फीमेल्स के लिए। Then, for example, if a child has seen women being respected in his family, he will perceive women as a respectable being. And if he has seen women being battered and maltreated, he will perceive them as some low-grade creature. इसी तरह से gender status की अगर बात की जाए, तो अगर बच्चे ने शुरू से ये देखा है कि females की respect की जाती है, उनके साथ तमीज से बात की जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके gender schema में ये बात शामिल होती जाती है। This is a creature that is to be respected. दूसरी जानब अगर वो ऐसे माहौल में था जहाँ पे फीमेल बैटरिंग होती है, फीमेल वायलेंस का रिवाज है, तो वो उस औरत की इज्जत करना नहीं सीखेगा और इसके साथ साथ ये भी जान लेगा कि फीमेल्स ऐसी बींग नहीं है जिसकी हर वक्त रिस्पेक्ट की जाए, उसके बजाय मेल्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहकर अल्फाज की शक्ल में बच्चों को नहीं सिखाई जाती, ये सब कुछ उनके इर्द गिर्द माहौल में हो रहा होता है। बच्चे इनको ऑब्जर्व करके इनमें से चीज़ें नोट करते जाते हैं और एक तरह की इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी स्टोर हाउस में, या यूं कह लीजिए कि अपने मेंटल सीपीयू में वो डालते जाते हैं। उनका मेंटल स्कीमा वक्त के साथ साथ एक्सपेंड भी करता जाता है, नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की जाती है, असिमिलेट हो जाती है और उसमें और आइडियाज़ वक्त के साथ साथ शामिल होते जाते हैं। बाज़ औक़ात ये आइडियाज़ चेंज भी हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है बड़े होने के बाद हमें बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हों और हम अपने पहले आइडियाज़ को तब्दील कर लें। जेंडर इशूज़ और जेंडर रोल्स के हवाले से कॉग्निटिव थ्योरी में कम अज़ कम दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और काबिल ज़िक्र भी। यूँ तो आपने और भी कॉग्निटिव थ्योरीज का नाम सुना होगा, लेकिन वो थ्योरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में इम्पॉर्टेंट हैं या साइकोथेरेपी में अहमियत रखती हैं, लेकिन जेंडर रोल्स को और जेंडर डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें दो थ्योरीज को डिस्कस करना होगा। एक तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी और दूसरी जेंडर स्कीमा थ्योरी। लॉरेंस कोलबर्ग के नाम से आप पहले भी वाकिफ होंगे क्योंकि उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट में भी काम किया था। जेंडर रोल्स की डेवलपमेंट के बारे में भी कोलबर्ग ने हमें खासी मुफीद इंफॉर्मेशन दी है। Lawrence Kohlberg's Cognitive Development Theory, The Concept of Gender Constancy. Kohlberg की थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट जेंडर कॉन्स्टेंसी का है, यानी एक स्टेज जो बच्चे की डिवेलपमेंट के दौरान आती है वो आती है जब उसको दूसरों के जेंडर के बारे में भी सही इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में वो एक स्टेबल थाट रखता है और उसके साथ साथ अपने जेंडर के बारे में और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी वो मुकम्मल शोर होता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड जेंडर जस्ट एज दे अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। चिल्ड्रन हैव एक्सपीरियंसेस विद पीपल ऑफ बोथ जेंडर्स, दे थिंक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, हैविंग मेड सॉर्ट ऑफ मेंटल नोट ऑफ व्हाट मेल्स एंड फीमेल्स डू एंड अडॉप्ट बिहेवियर्स परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ देयर ओन सेक्स। कोलबर्ग के ख्याल में बच्चे जिस तरह से और तमाम चीज़ें और सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसी तरह से जेंडर का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर में से चीज़ें नोट करते हैं, उनमें से चीज़ों को वो चीज़ें लेते हैं जो कि उनके अपने जेंडर और सामने वाले शख्स के जेंडर में पाई जानी चाहिए। यानी सेम जेंडर पेरेंट के बिहेवियर को बच्चा फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल शुरू से नहीं होता। इब्तदाई सालों में इस तरह की चीज़ मुमकिन नहीं है और हम देखते हैं कि बच्चे अपोजिट सेक्स के पेरेंट के भी बिहेवियर्स को फॉलो करते हैं। छोटे लड़के हमने देखा है कि लिपस्टिक लगाने का शौक़ रखते हैं या गुड़ियों से खेलने का शौक़ रखते हैं, वो कि उनको डिस्करेज किया जाता है, उसके बाद वो ये चीज़ें नहीं करते। लड़कियाँ इसी तरह से लड़कों वाले खेल खेल कर खुश होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब कॉन्स्टेंसी आती है तो बच्चे ये चीज़ें सीख जाते हैं कि ये चीज़ें मेल्स के लिए मखसूस हैं और ये चीज़ें फीमेल्स के लिए। Children do their own gender typing themselves.
they make classifications of themselves and of others as males or females and organize their behaviors around that classification. Bacche apni gender typing khud karte hain bajaye iske is theory ke mutabik bajaye iske ki har waqt dusre logon ne bataye ki aapko ye karna chahiye ye aapki gender type se related cheez hai aur ye related nahi hai. इसके बजाय बच्चे खुद से सीखते हैं कि कौन सी चीजें उनके जेंडर से मुताबिकत रखती हैं, उनको इख्तियार कर लेते हैं और बाकियों को वो डिस्कार्ड कर देते हैं. द जेंडर रोल्स दैट चिल्ड्रन अडॉप्ट आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड दिस क्लासिफिकेशन. बिहेवियर्स कंसिस्टेंट विद देयर ओन जेंडर आर अडॉप्टेड. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, क्लोथ्स, टॉयज एटसेट्रा. कोलबर्ग के मुताबिक बच्चे जेंडर रोल्स उस वक्त सीखते हैं जब उनमें जेंडर कॉन्स्टेंसी आ जाती है. जेंडर कॉन्स्टेंसी से मुराद है जेंडर की परमानेंस का एहसास और उसकी अवेयरनेस. यानी बच्चे को मालूम होता है कि जेंडर एक कॉन्स्टेंट परमानेंट फीचर है जो कि चेंज नहीं होता. ये डेवलपमेंट बहुत छोटी उम्र में नहीं होती बल्कि इब्तदा के कुछ वर्षों के बाद जेंडर कॉन्स्टेंसी का आगाज होता है. जेंडर कॉन्स्टेंसी इज नॉट अ फिनोमिनन that occurs at once, at one point in time. It takes place in three stages. Gender constancy koi aisi cheez nahi hai jo bacche ki zindagi mein achanak ek din, ek waqt ya kisi ek khas point of time mein occur karti hai. Balki ye mukhtalif steps mein waqoo pazeer hoti hai. Isme teen steps involved hain aur aakhri step par jaake mukammal stable gender constancy hasil ho jati hai. स्टेज वन जेंडर आइडेंटिटी एज 2 to 3 years. द चाइल्ड बिकमिंग अवेयर ऑफ वन्स ओन जेंडर एंड दैट ऑफ अदर्स. 2 से 3 बरस की उम्र में जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट डिवेलप होता है. बच्चे को ये एहसास होता है कि दूसरे लोगों का जेंडर मेल है या फीमेल है, दो तरह के जेंडर्स होते हैं और मैं एक लड़की हूँ या लड़का. लेकिन ये एक ना तब्दील होने वाली चीज है. छोटे बच्चे में इस चीज का एहसास नहीं होता क्योंकि अक्सर बच्चों के ख्याल में लिबास तब्दील कर लेने से या हेयर स्टाइल तब्दील कर लेने से जेंडर तब्दील हो जाता है और अपने खेल में अक्सर कहते हैं कि मैं लड़की बन गया हूँ या मैं लड़का बन गई हूँ, क्योंकि उनके ख्याल में मेल का रोल अडॉप्ट करने से बच्चा मेल बन जाता है और फीमेल का रोल अडॉप्ट करने से फीमेल. स्टेज टू जेंडर स्टेबिलिटी. रियलाइजेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स that they will grow up as men or women respectively. That is, gender is fixed, permanent and an integral feature of their personality. But at this stage they understand this on the basis of superficial external appearances and stereotyped behaviors. Isse agli stage gender stability ki hai. यानी बच्चे ये सीख लेते हैं कि जेंडर एक परमानेंट फीचर है, जेंडर तब्दील नहीं होता, लेकिन उसमें एक चीज अभी भी थोड़ी सी कमजोर रह जाती है और वो ये कि बच्चा जो है अपना ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपेयरेंसेस, किसी शख्स की अपेयरेंस या किसी शख्स के हुलिये के बिना पर. और जिसका मतलब ये है कि अगर उस शख्स का हुलिया तब्दील हो जाएगा तो बच्चा ये महसूस कर सकता है कि उस शख्स का जेंडर तब्दील हो गया है. जबकि कुछ महीनों के बाद या शायद एक बरस के बाद ये परमानेंस और ये स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंसी की फॉर्म में बदल जाएगी और फिर बच्चा ये गलती कभी भी नहीं करेगा. स्टेज थ्री जेंडर कंसिस्टेंसी. द अवेयरनेस दैट जेंडर रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट वन वेयर्स, हाउ वन बिहेव्स, व्हाटएवर हेयर स्टाइल वन हैज. जेंडर कंसिस्टेंसी वो फाइनल स्टेज है जिस पर आके बच्चे को जेंडर की या सेक्स की परमानेंस की सही समझ आ जाती है और उसको ये मालूम हो जाता है कि जेंडर का ताल्लुक सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के साथ नहीं है. ये एक इननेट इनहेरेंट क्वालिटी है जो कि कभी तब्दील नहीं होती. इफ समबडी इज बोर्न एज अ मेल, दैट समबडी रिमेन्स अ मेल थ्रू आउट हिज लाइफ. एंड इफ समबडी इज बोर्न अ फीमेल, शी विल रिमेन अ फीमेल ऑलवेज. ये चीज बच्चे को जेंडर कंसिस्टेंसी की स्टेज के बाद में समझ आती है और यही वो चीज है जिसको कोलबर्ग जेंडर कॉन्स्टेंसी का नाम देते हैं. ऑल्दो कोलबर्ग पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी एज अ सिग्निफिकेंट थीम
there is not much solid research evidence supporting it. Different researchers have yielded findings quite different from and even contrary to Kohlberg's hypothesis that gender constancy stage is the point where children actually learn gender roles and relevant appropriate behaviors. Kohlberg ki theory hame khasi achhi theory lagti hai aur unhone apne hisab se gender constancy ko aur gender roles ki development aur understanding ko badi achhi tarah se explain kiya hai. لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ریسرچ ڈیٹا موجود نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے ریسرچرز نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی اور انہوں نے کولبرگ سے مختلف انفارمیشن حاصل کی, مختلف ایویڈنس لوگوں کے سامنے پیش کی, اور ایسا بھی ہوا تو ان کی حاصل کردہ ایویڈنس ٹوٹلی کانٹری تھی کولبرگ کی ایویڈنس سے. کولبرگ کے مطابق بچے جینڈر کانسٹنسی کی سٹیج پر پہنچنے کے بعد ہی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جینڈر جو ہے ایک پرماننٹ فیچر ہے اور پرماننٹ کوالٹی ہے. دیگر ریسرچرز نے اس سے مختلف انفارمیشن حاصل کی. اٹ ہیز بین سین دیٹ ایٹ 2.5 years of age چلڈرن بگن ٹو پریفر دا کمپنی آف چلڈرن آف دیئر اون سیکس. آلسو گرلز آر مور انٹرسٹڈ ان ڈالز اینڈ بوائز ان کارز. بہت سے ریسرچز میں یہ چیز دیکھی گئی کہ بچے 2-2.5 سال کی عمر میں بھی اپنی سیکس کے یا اپنے جینڈر والے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. اگر بہت سے بچوں آپ کسی اسکول میں پلے گروپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ شوونزم چھوٹے لڑکوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے صرف لڑکوں کی محفل میں رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کھلونوں کے بارے میں پریفرنسز بھی 2-2.5 سال کی عمر میں دکھائی دیتی ہیں. لڑکیاں شروع سے ہی لڑکیوں والے ٹوائز پسند کرتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کار یا ٹرک یا گنز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں, اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی ریسرچ ایویڈنس موجود ہے. لانگ بفور اٹیننگ دا اسٹیج آف جینڈر کانسٹنسی چلڈرن ایگزیبٹ جینڈر ٹائپ پریفرنسز. چلڈرن کین کیٹیگرائز ایکٹیویٹیز اینڈ آبجیکٹس بائی جینڈر, know a lot about what males and females do, and often acquire gender-appropriate behaviors at that age. بہت چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی پریفرنسز بن جاتی ہیں جینڈر رولس کے لیے, جینڈر ریلیٹڈ آبجیکٹس کے لیے اور جینڈر ریلیٹڈ بہیویئرس کے لیے. وہ جانتے ہیں کہ آدمی کیا کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں. آپ کو بہت چھوٹی عمر میں بھی جب بچے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے گھر مہمان بن کے جانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا وہ کھیل کھیل رہے ہیں, تو آپ کو ہارڈلی کبھی کوئی لڑکا نظر آئے گا جو آنٹی بن کے جا رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آنٹی آنٹی کھیل رہے ہیں تو لڑکیاں ہی آنٹی بنتی ہیں اور لڑکے ہی انکل بنتے ہیں. ایسا آپ کو شاید ہی کبھی دکھایا ہوگا, دکھائی دیا ہوگا کہ کوئی لڑکی انکل بن کے کسی گھر میں مہمان بن کے چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو جینڈر رولس کا احساس ہوتا ہے اور اس کی شناخت وہ کر سکتے ہیں. 5-year-old boys, having reached gender constancy or almost there, pay more attention to male characters on TV and watch more sports and action programs in comparison to other age mates. ہاں البتہ یہ ضرور دیکھا گیا کہ اگر بچے جینڈر کانسٹنسی میں پہنچ جائیں تو یہ پریفرنسز ان کی اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں, اور 5 سال کی عمر کے بچے جو اسٹیج پہ پہنچ گئے یا اس کے قریب قریب تھے ان میں ٹی وی پروگرامس کی پریفرنسز بھی باقی بچوں کے مقابلے میں مختلف تھی, اور جن رولس کو وہ پسند کرتے تھے وہ بھی اس سے مختلف تھے جو ان کی عمر کے دوسرے بچے کرتے تھے. چلڈرن ٹینڈ ٹو ڈیولپ مور کمپلیکس بلیفس اباؤٹ جینڈر لیٹر آن. آلسو دے ٹینڈ ٹو بیکم مور فلیکسیبل ان دیئر ویوز اباؤٹ جینڈر رولس. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے جینڈر ریلیٹڈ بلیف سسٹم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نئے آئیڈیاز اور نئے کانسیپٹس ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ ایک اہم تبدیلی جو آتی ہے کہ وہ ان کی جینڈر ریلیٹڈ سوچ جو ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جاتی ہے. جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ریجڈ سوچ ہوتی ہے, لیکن جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ میں زیادہ لچک اور زیادہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں. زیادہ بڑے ہو کر اڈلٹہڈ میں شاید اس میں دوبارہ سے ریجڈٹی آ جائے, لیکن اس وقت بچے اپنی سوچ میں زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہاں فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز اس میں آ کے
इमर्स करते जाते हैं और सिमुलेट होते जाते हैं। ये तो थी कोलबर्ग की थ्योरी। और दूसरी थ्योरी जिसका इस सिलसिले में हम जिक्र करेंगे वो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी, अ स्कीमा इज अ मेंटली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। जेंडर स्कीमा इज अ मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेस एंड गाइड्स अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू जेंडर। जैसे कि हमने पहले कहा था, ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें जेंडर रिलेटेड आइडियाज जमा होते जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस जो मुख्तलिफ औकात में बच्चे के साथ होते हैं उनसे उसको नित नए आइडियाज मिलते हैं और ये आइडियाज इसमें ऐड होते जाते हैं। और वक्त गुजरने पर जब कोई सिमिलर एक्सपीरियंसेस आते हैं तो इन्हीं आइडियाज में से एक इंफॉर्मेशन बाहर आती है और बच्चा उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक नए एक्सपीरियंस को असेस करता है और टेस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू जेंडर स्कीमा थ्योरी, चिल्ड्रन फर्स्ट डिवेलप अ सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ मेल फीमेल डिस्टिंक्शंस एंड लेटर ऑन अप्लाई इट यूनिवर्सली। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लर्न व्हाट सेक्स दे आर, देन दे डिवेलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इट मींस टू बी मेल और फीमेल इन देयर कल्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दे बिगिन टू टेक ऑन जेंडर रोल्स। बच्चे इब्तदा में बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी सोच का आगाज करते हैं। शुरू में उनको सिर्फ ये पता होता है कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ या अम्मी लड़की हैं और अब्बू लड़का है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें नए एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाते हैं और बच्चा इनको कंपेयर करता रहता है, कॉन्ट्रास्ट करता रहता है। काफी अरसे के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें उसके आइडियाज और उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल रैशनली बेस्ड होते हैं। इब्तदाई बरसों में उसके आइडियाज गलत इंफॉर्मेशन पर भी बेस्ड हो सकते हैं। व्हाटएवर ऑब्जर्वेशंस दे हैव ऑफ मेन एंड वुमेन, दे ऑर्गेनाइज दोस अराउंड द जेंडर स्कीमा दैट दे हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर ओन सोसाइटी। शुरू में बच्चे अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर, अपनी सोसाइटी को देखते हुए, वहां की प्रैक्टिसेस को देखते हुए अपना स्कीमा डेवलप करते हैं। ये सब कुछ एक अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है। अनकॉन्शियस लेवल पर इस सेंस में कि आप हर वक्त सोच नहीं रहे होते कि इस वक्त मेरा एक स्कीमा है जिसमें मैं आइडियाज ऐड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सब कुछ खुद बहुत एक ऑनगोइंग प्रोसेस के तौर पर होता है। बच्चा इसमें नई इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के बाद इसमें शामिल कर लेता है और जब कोई अगला वाक्य जाहिर होता है तो फिर पिछली इंफॉर्मेशन को लेके उसके साथ कंपेयर करता है। मसलन अगर उसने हर वक्त देखा है कि औरत जो है घर में किचन में काम करती है या औरत गार्डनिंग का काम करती है और औरतें जो है बिजली के स्विच वगैरह ठीक नहीं करते, ये काम मर्द करते हैं, और फिर एक रोज अगर वो अपनी अम्मी को बिजली का स्विच ठीक करते हुए या बल्ब चेंज करते हुए देखता है तो फौरन अपनी पिछली स्कीमा की इंफॉर्मेशन उसको कंपेयर करके देखता है कि आया ये एक जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर है या नहीं। और फिर अगर उसको पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था तो फिर उसको अंदाजा होगा कि हाँ, कभी कभी औरतें भी मर्दों वाले काम कर लेती हैं और मर्द भी औरतों वाले काम कर सकते हैं। द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्कीमा, आप स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह से जेंडर स्कीमा एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तौर पर अपनी जगह बनाती है या वकूफ पजीर होती है। जेंडर स्कीमा एक दिन में डेवलप नहीं हो जाते, ना ही उनको एक दिन में किसी एक वाक्य की वजह से खत्म किया जा सकता है। मुख्तलिफ एज लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों में मेल्स हों या फीमेल्स हों, जेंडर स्कीमा एक खास सीक्वेंस के तहत डिवेलप होते हैं। स्टेज, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, एज 2 to 3.5 ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, एट दिस स्टेज चिल्ड्रन बिलीव इट इज पॉसिबल टू चेंज सेक्स बाय वेयरिंग क्लोथ ऑफ ऑपोजिट सेक्स, कैन आइडेंटिफाई हाउसहोल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स लाइक mechanical tools are used by father and the mother works in the kitchen and gender labeling is learned. Gender stability stage 3.5 to 4.5 years. Sex is stable over time, not situations. Older peers and siblings are models for social learning of gender roles. Boys may play with the toys socially labeled as girls' toys but do not own them ultimately. Child applies labels to self and others, but
they may be inconsistent. Stage, gender consistency, 4.5 to 7 years of age. Sex is stable. Children value and imitate same-sex behaviors. This leads to development of gender-appropriate attributes. जैसा कि आपने अभी स्लाइड में देखा, मुख्तलिफ एज लेवल्स पर बच्चों के जेंडर स्कीमा की डेवलपमेंट मुख्तलिफ तरह से होती है. इब्तदा में बच्चे बहुत सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जेंडर को समझते हैं. शुरू में बच्चा ये पहचानता है कि वो किस जेंडर से ताल्लुक रखता है, उसके पेरेंट्स का ताल्लुक किस जेंडर से है, उसके बहन भाई मेल हैं या फीमेल हैं. आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको ये शिनाख्त हो जाती है कि उनके दोस्त मेल हैं या फीमेल हैं. बच्चों में फिर प्रेफरेंस ये डेवलप होना शुरू हो जाती है कि वो मेल फ्रेंड ज़्यादा बनाते हैं, लड़कियाँ फीमेल फ्रेंड ज़्यादा बनाती हैं. शुरू में ये चीज़ें जो हैं और ये एटीट्यूड जो ऑल्टरनेट कर सकते हैं. बच्चे लड़के जो हैं वो फीमेल्स वाले टॉयज़ में या फीमेल्स लड़कों वाले टॉयज़ में दिलचस्पी ले सकती हैं, वो टॉयज़ शेयर भी कर लेते हैं. वक्त आने पर जब उनको बहुत से खिलौने दिए जाए तो उनकी प्रेफरेंस जो है आम तौर पे ये होती है कि वो अपनी पसंद के अपने जेंडर से रिलेटेड टॉयज़ का इस्तेमाल करें. लेकिन अगर और टॉयज़ ना हो तो वो टॉयज़ शेयर कर लेते हैं और वो एक दूसरे के जेंडर स्टीरियोटाइप टॉयज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं. एक रिसर्च में ये भी देखा गया कि जब बच्चों को जेंडर न्यूट्रल टॉयज़ दिए गए तो शुरू में उन सब की कोशिश ये थी कि वो ये देखें कि इसमें मेल रिलेटेड टॉय कौन सा है और फीमेल रिलेटेड कौन सा. लेकिन क्योंकि वो टॉयज़ बुनियादी तौर पर जेंडर न्यूट्रल थे, यानी ऐसे टॉयज़ नहीं थे कि जिनके साथ सिर्फ लड़कियाँ खेलती हैं या सिर्फ लड़के खेलते हैं, तो कुछ टाइम बच्चों को ये जाँचने में, उनको छांटने में लगा कि कौन से टॉयज़ उनको इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से वो पसंद नहीं करेंगे. लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल टॉयज़ हैं तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक वो टॉयज़ जो है थे उनमें से अपनी पसंद के टॉयज़ का इंतखाब कर लिया. और यही चीज़ आप जेंडर स्कीमा की डेवलपमेंट में भी देखते हैं. बच्चों को गो के इब्तदा ही से जेंडर के बारे में अवेयरनेस होती है, लेकिन कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट और जेंडर की कंसिस्टेंसी का और फिर जेंडर की परमानेंस का ख्याल और एहसास थोड़ी सी लेटर स्टेज के ऊपर आता है. शुरू में उनके ख्याल में अपीयरेंसेस को बदल लेने से जेंडर भी तब्दील हो जाता है, लेकिन 5 से 7 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चे इस बारे में यकीन रखते हैं कि ये एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक परमानेंट फीचर है और तब्दील नहीं हो सकता. इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट में और इन कॉन्सेप्ट को सीखने में कॉग्निटिव थ्योरी में सोशल लर्निंग को भी बहुत अहमियत दी जाती है. यानी बहुत से जेंडर रोल्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन और स्कीमा जो डेवलप होते हैं उसमें दूसरों के बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है. यानी ये सब कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं होता, दूसरे लोगों की प्रेजेंस और सोशल एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है. आज के लेक्चर में हमने कॉग्निटिव अप्रोच की बात की और कॉग्निटिव थ्योरीज अबाउट जेंडर डेवलपमेंट की बात की. अगले लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरीज की बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी कुछ ट्रेडिशनली पॉपुलर थ्योरीज जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरी, वो किस तरह से जेंडर डेवलपमेंट को बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसकी क्या वजाहत पेश करते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.